तो है दोस्तों के सब सभी और वेलकम बैक टू द बकवन पार्टी नंबर 1 एंड गुड गेम। तो जिसका आपको पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमें जो है यहाँ पर ईवी मिल चुका था और दोस्तों हम जो है मेडल भी किए थे सीट के साथ। और दोस्तों आज जो है हम यहाँ पर पोकेमोन में दिखा देता हूँ अपना ईवी कैसा है, अपनी ईवी कैसी है उसके लिए जो है वो फीमेल वन है। तो दोस्तों देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब तक मैंने आपको बताया नहीं, तो जल्दी मैं इसको इवॉल्व करने वाला हूँ दोस्तों एक अच्छे पोकेमोन में, जिसका मैंने अब तक मतलब कि ये नहीं किया, मतलब उसका मैंने क्या बोलोगे अभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ से चलकर देख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफर पर। और दोस्तों अगर आपने अब तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ और लाइक का बटन दबा के देना। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों प्लीज का आंसर, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर एक केव है तो उसके अंदर चल कर देख लेता हूँ मैं कुछ है क्या। ओके दोस्तों ये जो है वो सोलिसियन रूइंस है, तो नीचे चलकर देख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर अच्छा होगा तो देख लूँगा। ओके जो सीड भी इस रूम के बारे में बता रहा था कि हमें जो है वो चेकआउट करना चाहिए। तो ओके यहाँ पर अननोन, ओके दोस्तों यहाँ पर एक अननोन पोकेमोन है कि यार ये क्या कर रहा है यार, जाने भी नहीं दे रहा मुझे यार, जाने तो दे यार, क्या कर क्या रहा हूँ मैं तुझे। अभी ये मेरे दिमाग में चढ़ गया दोस्तों, अभी मैं सीधे पोकेमोन फेंक कर देखता हूँ आ रहे तो ठीक, ओके नहीं आ रहा ना तो जा निकल अभी। यार ये हमारे क्रोटल को नुकसान पहुँचा रहा है यार, अभी तो उसको पकड़ कर रहूँगा दोस्तों। चल यार स्टारेविया अभी हमारे दिमाग में बत्ती पर बैठ गया, अभी तो इसको पकड़ कर ही रहना है, मैं इसको यहाँ नहीं दे रहा था अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे दिमाग में चढ़ गया ये, अभी कुछ कर भी नहीं रहा था मैं इसको। अभी तो मैं इसको पकड़ कर ही जाऊँगा दोस्तों, बहुत उड़ रहा है ये, अभी भी नहीं आ रहा है यार, ये क्या कर रहा है, जल्दी से आ जा, टाइम नहीं है मुझे यार, कैसे भी करके सोल्यूशन रूम को एक्सप्लोर करना ही है दोस्तों क्योंकि बहुत समय हो गया। तो चलो उसने यहाँ पर सारी भी डाउन कर दिया, रियल में पोकेमोन अच्छा तो है। तो फटाफट मैं गीबल को बुला लेता हूँ, गीबल को मैंने अब तक मुझे लगता है कि ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है गीबल को, और इसी के साथ हमने पकड़ लिया है अननोन को। तो चलो इससे चलता हूँ मैं अपने आगे के सफर पर। और पावर इज सेट टू एमर्ज। तो चलो उसने यहाँ पर एक गोल करे तरीके का हमने अननोन मिल चुका, तो फटाफट से ना मैं यहाँ पर रिवाइव का इस्तेमाल कर लूँ क्या, रिवाइव तो मुझे लगता है नहीं कि होएगा, देख लेता हूँ कि मेरे पास एक भी रिवाइव नहीं है यार दोस्तों। चलो फटाफट से ना मैं आपको हीलिंग जो है वो कर आपसे फिर से मिलता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हीलिंग जो है मैं कर आ चुका हूँ, तो नीचे की तरफ तो मैं जाकर आ चुका हूँ, तो जाकर मैंने रेपल का भी इस्तेमाल कर देता हूँ, ज़्यादा 6 रेपल है मेरे पास, जाते जाते बाद में ले लूँगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफर पर। ओके तो मुझे लगता है कि अननोन, तो चलो दोस्तों चलते हैं। ओके हमारे पास फायर स्टोन मिल चुका है, बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई यार। ओके दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे की तरफ यहाँ पर चल कर देखता हूँ। ओके यहाँ पर और भी, और दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा बैटल है। आई हर्ड थिंग मोशन ऑफ द सम इन दिस रूइंस इट जस्ट दैट आई थिंक टू द लॉस्ट इज एवरीथिंग लुकिंग द सेम नाउ व्हाट आई कुड यूज हेल्प यू। तो दोस्तों यहाँ पर 4 रास्ते हैं, तो सबसे पहले मैं नीचे के रास्ते चेक कर लेता हूँ। ओके नीचे के रास्ते और भी है, तो फटाफट से ऊपर चल कर, क्योंकि ऊपर के भी रास्ते बहुत है, तो यहाँ पर मैं नीचे चल कर देख लेता हूँ कि कितने रास्ते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हमें तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो चलो दोस्तों चलता हूँ अपने आगे के सफर पर। ऊपर की तरफ चेक कर लेता हूँ दोस्तों क्या क्या है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों मुझे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे, डिफॉक्ट मूव भी मिल जाएगा। डिफॉक्ट से क्या होता है दोस्तों, डिफॉक्ट से मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली डिफॉक्ट जो मूव होता है ना, तो डिफॉक्ट जो मूव है यहाँ पर, ज़्यादातर आपको पता होगा कि ज़्यादातर के फॉगी वेदर होता है यहाँ पर इस रीजन में। तो दोस्तों पर डिफॉक्ट से ना हम जो है अगर एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को दे देंगे ना, ओके यहाँ पर मैं बैटल आ रहा हूँ, फटाफट से मैं एक डन करके आपसे फिर से मिलता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर बैटल जो हो चुका है, दोस्तों मैं बता रहा था कि डिफॉक के बारे में, जो डिफॉक जो है बेसिकली जो फॉगी वेनर को होते हैं, तो हम अगर एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को दे देंगे ना,
तो दोस्तों उस वजह से जो फॉगी वेदर का हो जाएगा दोस्तों क्लियर आउट हो गया कर देता है दोस्तों। चलो नीचे की तरफ देख लेता हूँ। ओके नीचे और भी रूम्स है, तो यहाँ पर दो रास्ते जाते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट चेक करता हूँ, फिर बाद में ओके सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि और भी तीन रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं आगे चल कर। बहुत ही बड़ी रूम्स है ये, तो चलो दोस्तों यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर और एक स्टोन है। ओके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो चलो दोस्तों ऊपर की तरफ चेक कर ले आता हूँ मैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं क्या क्या है क्या। और ओके तो ऊपर की यहाँ पर तो सबसे पहले दोस्तों मैं नीचे का रास्ता यहाँ पर चेक कर आता हूँ। ओके रेपल ख़त्म हो गया था। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं बुला रहा हूँ ना, तो वो पता होगा कि गूगल आ रहा है बार बार, मुझे नहीं चाह रहा है फिर भी वह आ रहा है दोस्तों। ओके थंडर स्टोन मिल गया दोस्तों यहाँ पर हमें, चलो अच्छी बात है दोस्तों। वो देखूँगा दोस्तों कल ही मैं अपने ईवी को इवॉल्व भी कर दूँगा। ओके तो यहाँ पर ऊपर और भी रास्ता जा रहा था लेफ्ट में, सबसे पहले वहाँ पर चल कर देख लेता हूँ और फिर मैं देख। ओके यहाँ से अरे यार गलती से चलो अभी चलो गलत रास्ता। ओके यहाँ पर और एक स्टोन है, तो यहाँ पर स्टोन पे तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि और जो नीचे रास्ते हैं मुझे वहाँ पर भी चेक कर आना चाहिए। चलो उस तो ऊपर की तरफ चल देता हूँ। यहाँ पर और तीन रास्ते हैं यार, कितने रास्ते हैं यार इस, तो यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर ओके तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर और दो रास्ते जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे का रास्ता चेक कर आता हूँ, देखता हूँ। ओके दोस्तों यहाँ पर चार आइटम्स है, तो यहाँ पर चार आइटम्स मैं बाद में ले लूँगा। सबसे पहले तो ऊपर चेक कर आता हूँ कुछ है क्या आपके यहाँ पर है। ओके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है शायद, मैं अभी यही जो यहाँ पर सोल्यूशन रूम जो है मैंने एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो सर यहाँ पर मैं शायद एंड में आ चुका हूँ सोल्यूशन रूम्स के, तो देख लेता हूँ। यहाँ पर देखो फिर से वो अननोन्स के साइंस आ रहे हैं, तो चलो यहाँ पर फटाफट से स्किप कर लेता हूँ अननोन के साइंस। ओके तो यहाँ पर अननोन के साइंस जो डन हो चुके, सबसे पहले पोकेमॉन पे राइट। ओके तो यहाँ पर हमें जो है मिल चुका है एचएम नंबर 5 डी फॉग, तो चलो उसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ओके नगेट बहुत अच्छी प्राइस में सेल होगा दोस्तों अगर मैं रखूँगा दोस्तों इसको, तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं ये क्या है। ओके ऑड इंसेंस, मुझे पता नहीं ऑड इंसेंस क्या काम करते हैं, मुझे देखना पड़ेगा बाद में आपको बता दूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके माइंड प्लेट, ओके चलो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है वहाँ पर देर इज अ टेक्स्ट फिंगर इन द ब्लैक पेन टेन प्लेट। ओके क्या लिखा क्या है, व्हेन द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड इट शार्ड्स बिकेम दिस प्लेट। ओके दोस्तों यहाँ पर शार्ड बिकेम दिस। ओके यूनिवर्स जब क्रिएट हो रही है प्लेट में यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर मैं फटाफट से यहाँ पर एस्केप रोप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो चलो दोस्तों यहाँ से जो है हम बाहर निकल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको भी जितने भी आइटम दिखने पा रहे हैं ना दोस्तों ये उसको मैं बाद में ले लूँगा दोस्तों। इनको मैं वहाँ पर भी एक पोके बॉल है उसको भी मैं बाद में ले लूँगा दोस्तों। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको पता होगा कि पीछे की तरफ है ना दोस्तों एक टावर आपको नज़र आ रहा होगा, जब हम पिछले एपिसोड में आ रहे थे ना तभी मैं वहाँ पर गया नहीं था दोस्तों। चलो दोस्तों फटाफट से मैं यहाँ पर हीलिंग करके फिर से मिलता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है मैं हीलिंग कर आ चुका हूँ, तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफ़र पर। तो आपको पता होगा कि नीचे की तरफ ओके तो ये क्या लिखा है सोल्यूशन टाइम फ्री ऑफ इंडस्ट्री, तो चलो दोस्तों यहाँ पर हम चलने वाला हूँ यहाँ पर इस टावर के लिए। ओके यहाँ पर उन लोगों से मैंने अब तक बैटल नहीं किया, तो मैं ऑफ स्क्रीन कर लूँगा दोस्तों क्योंकि मुझे ऑफ स्क्रीन में बैटल्स करने पड़ते हैं क्योंकि हीलिंग करने के लिए। मेरे डिपार्टमेंट में पोकेमॉन से दिस इज द लॉस्ट टावर, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लॉस्ट टावर पर जाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों चलते ओके यहाँ पर कुछ क्या कह रही है क्या This is your spirit rest. Please be quiet. Respectful. Okay, दोस्तों हम respect से हम यहाँ पर चले जाएंगे। Okay, battle करिए। क्या this is the last stop? This is the president of a pop. That depends. Your high train. If you can't use a unity cop, you have no business here. There is no need to go up. तो चलो दोस्तों ऊपर चलकर देखते हैं यहाँ पर। Okay, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर pokeball तो है दोस्तों, पर मुझे यहाँ पर battle करना पड़ेगा उस trainer के साथ। तो चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मैं long cut आ गया पर दोस्तों मुझे जो ओके देख लेता हूँ कौन सा पोकेमॉन, मुझे लगता है कि दोस्तों मुझे पता है कि कैसे और अंतर ही जाएंगे दोस्तों शायद यहाँ से यार मेरे लोग। अभी तो मुझे इसे डिफीट ही करना पड़ेगा, मैं अच्छे से नहीं दे रहा था, मुझे बाइट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ उसके बैटल को, और चलो दोस्तों यहाँ पर चल देता हूँ मैं अपने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे रेफल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो डिफॉक मैंने अब तक दिया नहीं है, मुझे देना पड़ेगा स्टार एरिया। तो मुझे लगता है कि वो गलती से मैंने एस्केप रोक ऐसे में किया था, हो जाता तो मेरा नुकसान ही हो जाता क्योंकि फिर से मुझे ऊपर आना पड़ जाता था। तो चलो दोस्तों यहाँ पर एक बैटल है, तो फटाफट से मैं इसे डन कर देकर उससे फिर से मिलता हूँ।
तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने बैटल और कर लिया। और दोस्तों आपको थोड़ी सी ना बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी सी नॉइज सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए दोस्तों तो मुझे तो है माफ़ कर देना। पर क्योंकि क्या करूँगा, मैंने तो मैंने दोस्तों परचेस नहीं किया, यूट्यूब में पैसा भी नहीं दे रहा है या यूट्यूब पर मुझे पैसा देगा पता नहीं। तो यहाँ पर ऑल वेट बैटल है, तो फटाफट से ना मैं इसे भी डन करता आता हूँ। तो दोस्तों आप जो है वो सोच रहे होंगे कि मुझे मेरे तो ये तो यूट्यूब तो मुझे अब तक पैसा नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मैं जो हूँ यहाँ पर पैसे कमा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता ही होगा क्यूज से क्यूज भी मैं रखता हूँ दोस्तों, क्यूज में मेरा थोड़ा सा पैसा जाता है। और मैं उसके आगे बताता हूँ, यहाँ पर और एक बैटल है उसे भी मैं डन कर आता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम और जो बैटल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। मेरे रेफल का इस्तेमाल तो कर लेता हूँ, तो इसलिए तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पोशन है कि मेरे पास ओके, तो मेरे पास 10 पोशन है। तो मेरे को जो पैरालाइज हील चाहिए क्योंकि मेरा ग्रोथ जो है पॉइजन हो गया था। तो चलो दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं। यार कब ख़त्म होगा ये, ऊपर की तरफ चेक करके लग जाता हूँ। ओके तो यहाँ पर और भी बैटल्स है यार, क्या करूँ यार, यहाँ पर तो और भी बैटल्स मुझे नज़र आ रहे। तो इसे भी डन कर आपसे फिर से मिलता हूँ। तो चलो उसमें यहाँ पर नीचे भी और तो डबल बैटल लग रहा है मुझे नज़र आ रहा है। तो चलो वो तो मैं बाद में कर लूँगा। तो यहाँ पर एक पोके बॉल है तो इसे मैं डन ओके। तो यहाँ पर मुझे TM27 रिटर्न मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि मेरे साइड बिजनेस भी है, इसलिए मैं जो हूँ वो क्यूज के पैसे कर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ चलकर ओके। दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनल स्टेज पर आ चुका हूँ, फाइनल स्टेज पर। क्या कह रहे हैं ये, अरे यार मुझे लगता है कि ये पर दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये गैस ना मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाला। अरे यार फिर से ये मत कर, टाइम पास मत कर यार, इसको रिपीट करना पड़ेगा यार। ये ना गैसली मुझे बहुत तंग करता है, ये मस्ती वाला पोकेमॉन है। उसको गैसली को है ना हर वक्त मस्ती सोचती रहती है, इसे हमें जाने भी नहीं देता। इसे हारने के हार कर ही हम आगे बढ़ सकते। तो चलो इससे बात कर लेता हूँ मैं इनसे। आई कांट सी इट बिकॉज़ शी इज अ प्रॉब्लम अवे इन द डाउट माय हार्ट। ओके इनसे भी बात कर लेता हूँ। आई कांट सी दिस बुक आफ्टर एवरीथिंग आई विश दिस वन। ओके दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि डिफॉग का यहाँ पर इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से ना डिफॉग दे देता हूँ अपने किसी को। यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर ओके फ्लाइंग टाइप मूव है ये डिफॉग। ओके तो यहाँ पर सिर्फ हम जो है यहाँ पर स्टारी या कोई दे पा रहे थे जैसे कि मैंने सोचा था दोस्तों। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन सा मूव फॉरगेटन हो सकता है। तो चलो दोस्तों अपने डबल टीम मैंने फॉरगेट कर लिया। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है स्टारेविया को डिफॉल्ट मूव सिखा दिया है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर यह है हमें डिफॉल्ट का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तो चलो दोस्तों मैं जो हूँ यहाँ पर डिफॉल्ट मूव का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जी हाँ स्टारेविया यूज डिफॉल्ट मूव जो राफी चल कर दी दोस्तों। ओके आवाज़ तो सुनो यार, मेरे कान बुरे हो गए। आउट ऑफ दिस प्लेस। ओके तो यहाँ पर क्लीन क्लीन से टैग मिल चुका है। द लॉस्ट वर्ल्ड इज द स्प्रिट ऑफ द डिपार्टेड आपको दिए।
those who enjoy them, those who times were short. All the departure Pokemon shall find solace here. Oh, the fog is gone. We did. This is my thanks. Don't shy. Take it. तो चलो सो देखते हैं यहाँ पर. ओके तो मैं दादाजी से भी बात कर लेता हूँ. तो दी वॉक यू ऑन विद डाउट इन अवर थैंक्स इज माय थैंक डोंट शैक टेक इट. तो दोस्तों यहाँ पर क्लीनिंग स्ट्राइक और स्पेल टैग अभी मिल चुका है. तो चलो दोस्तों बाहर की तरफ चल जाता हूँ मैं. दिस इज द फैंटिया इट्स हार्ड टू टेल व्हाट शी इज थिंकिंग बट शी हैज द कंपैशन आई हैड यू नो शी इज अ रेगुलर विजिटर. शायद वो फैंटिना में दोस्तों मुझे अरे यार ये कितनी बार पोकेमॉन आ रहा है अभी जो बैठा गया. मुझे लगता है कि रेपल अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यार ये पूरा ये अभी फिर से दोबारा से जाने नहीं देगा. चलो दोस्तों यहाँ पर अभी से भी डन कर आ चुका हूँ. तो चलो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ देख लेता हूँ कौन सा कुछ है क्या. तो चलो दोस्तों कुछ नहीं तो बड़े से मैं यहाँ पर एस्केप रूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए. यार मैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर पा रहा शायद मेरा नीचे की तरफ. ओके चलो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से नीचे चल देता हूँ. तो दोस्तों यहाँ पर मैं सीधा नीचे की आपको फिर से मिलता. तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही. मुझे भी आपकी वीडियो अच्छा लगा और दोस्तों पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाकर जाना. मैं बोलूँगा आपको प्लैटिनम के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अलविदा.